टॉपिक ऑफ द बुक और लाइन बनाना शुरू कर दी देखो खेलते रहे मुझे सीखना कैसे करना आप लोगों का कौन है ये जो ड्रॉइंग मास्टर है इधर ओके गुड सो क्या बोलते हैं इस बुक में दर्स्ट थिंग इज री डिफाइनिंग सक्सेस कौन बताएगा व

तुम अभी कल के बच्चे यू नो यू ट्राई टू शो मी कि किस तरह से सत्रह साल के पेशेंट को डिप्रेशन से निकालना है तो उसने बोला ठीक है मेरा तो करियर वैसे ही स्टार्टिंग बता आपका करियर जीरो ना हो जाए तो उसने बोला ठीक है आ जाओ चैलेंज करते हैं बोलता है अपनी बेस्ट पेशेंट को ले आओ एंड बेस्ट पेशेंट को ला के मुझसे बातचीत करवाओ और मैं उसको कोशिश करूँगा मैंने बहुत सारे लोगों को एज अ हॉबी किया है कि मैं बाहर निकालता हूँ डिप्रेशन से सो वॉट डिट व उसने बोला ठीक है ये पेशेंट है ये मेडिकेशन भी लेती रहेगी ताकि इसका कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बेच चीज़ भी नोनेट बोला हाँ ठीक है मेडिकेशन बंद नहीं करो यू आर अ डॉक्टर तुम्हारे उससे पैसे बनते यू मेक मनी बट मेरे पास थर्सडे को भेज देना काउंसलिंग के लिए तो उसने बोला ठीक है उसने बोला हर सैटरडे को हम लोग रेडियो शो करेंगे एंड शी विल शेयर के कुछ फ़ायदा हुआ कि तुमने खाली ऐसे ही हवा में तीर चलाया था राइट तो सुनना है स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रहा है कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है अच्छा तो लग रहा है तो फिर कैमरा खोलना पड़ेगा ना थोड़ा ब्लैक मेलिंग भी चलती रहती है राइट खोल लो जरा चेहरा तो दिखाओ और डिप्रेशन दूर कराओ ओके लेट्स डू सो उसने क्या बोला उसने बोला कि थिंक अबाउट के, के तुम्हारे में क्या खूबियां हैं गॉड हैज गिवन एवरीबडी समथिंग समथिंग तुम्हारे में क्या है तो उसने बोला जो पेशेंट डिप्रेस्ड होता है ना सबसे बड़ा उसका डिप्रेशन का रीजन होता है कि उसका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होता है कितने लोग कह रहे हैं बात सही है रेज योर हैंड्स ठीक है तो उसने बोला कि मैं उसका सक्सेस रीडिफाइन करता हूँ अब ध्यान में रखो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को सेल्फ एम्पावरमेंट में ये सोचना है कि आपका सक्सेस कितना रीडिफाइंड है तो अपने आप से क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट इट बहुत ऑनेस्टली जवाब देने की जरूरत नहीं है बट लेट्स डू इट वॉट इज योर इम्प्रेशन अबाउट योर सेल्फ आप अपने बारे में क्या सोचते हो कि ये शौकत भाई मैं या फरीद फरमानी मैं या शरीफा खाजा या सरोज बढ़ी वाला मैं कैसा इंसान हूँ मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ मैं लूज़र हूँ मैं एवरेज हूँ मैंने ज़िंदगी में एक सौ काम किए तो अस्सी में मैं फेल हुआ हूँ हु, बीस में पास हुआ हूँ हु, या मैं नाइन्टी नाइन में फ़ेल हुआ हूँ हु, या मैं जिसमें पास भी हुआ हूँ उसमें भी दुनिया ने मुझे कहा फेल हुआ या मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे बहुत सक्सेस दिया ऊपर वाले ने या तो मैं गोल्डन स्पून के साथ बॉन हुआ और मैं कुछ नहीं करता सक्सेस कुछ कौन हूं मैं आपकी अपनी डेफिनेशन ध्यान रहे आपकी अपनी डेफिनेशन आपकी अपने लिए क्या है सो लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट बताने की जरूरत नहीं है पूरा सवाल लेकिन क्या ये सवाल हम अपने आप से करते हैं परवीन लफानी और करते हैं तो क्या जवाब मिलता है ओके नॉट अदर्स इवेल्यूएशन अबाउट यू योर ओन इवेल्यूएशन अबाउट यूर सेल्फ और दैट्स ग्रेट तो हमें ये समझ आ गया दोनों गुरु हैं शनाज एन शोकत भाई इन you know, दोनों ने सब नहीं बहुत अच्छा बोला तो समझ आया कि दो तरह के डिप्रेशन है एक वो जो अंदर से आ रहा है एक वो जो बाहर से आ रहा है जो बाहर से आ रहा है उसको बुलिंग कहते हैं वो कम है ठीक है और जैसे जैसे आप मेच्योर होते हो बड़े होते हो दुनिया देखते हो कहते हैं यू गेट थिक स्किन और कुछ लोग इतनी थिक स्किन होती है वो रहे बोलता रहे यार, थिक स्किन बना लो। Walmart, उसने बोला, यार, इतने लोग थे और तुमने कैसे बना लिया तुमने इतना रोका बोला यार मैं बह रहा हूँ सुनता ही नहीं था समझ ही नहीं आता था लोगों को पता नहीं था लोगों को लगता था कि आई एम गुड लुकिंग मैन तो है वो बोलते रहते थे मुझे तो सुनाई नहीं देता था मैं जाहिर नहीं करता था ये तो मैं डम नहीं था डेफ था लेकिन ये कि मैंने इसलिए बना लिया बट बाद में मुझे किसी ने लिख के दिया कि भाई ये तो बोल रहे हैं तो बोला अच्छा हुआ कि वो बोलते थे लिख के नहीं देते थे वरना तो मैं कभी बना नहीं पाता राइट सो so, आधे से ज्यादा मसला जो है ना वो अंदर का है सो so, अंदर को जिसको हम शैतान कहते हैं डेविल कहते हैं राइट कुरान में भी है राइट के अंदर की आवाज बुरी आवाज बैड इंसान होता है गुड एंजल बैड एंजल राइट तो जो भी कह लो जिस तरह भी कह लो मतलब है इविल थॉट्स तो इविल थॉट्स का मतलब है सम काइंड ऑफ थॉट्स दैट सेस के तुम नहीं कर पाओगे तुम हार जाओगे तुम पहले भी हार गए थे तुम अब भी हार जाओगे तुम वीक हो तुम बीमार हो कोई ना कोई रीजन फॉर सेक ऑफ रीजन हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि नींद आना खत्म हो जाएगी काम होना मसला हो जाएगा लेकिन उसको तोड़ने का वेपन क्या है जो कहते हैं ना शील्ड है सामने से सॉर्ड आ रही है तो शॉर्ट को रोकने के लिए शील्ड तो चाहिए राइट पुराने जमाने में वॉरियर्स पहनते थे याद है तो वो शील्ड में एक शील्ड बताया शहनाज ने या आप आज आज हमको समझ आएगा कि वाइड से कंटिन्यू एजुकेशन नॉलेज नॉलेज होगा ना तो पता चलेगा वो हेयर हो रहे हैं तो क्या करना है ओह रिवाइटेशन होती है रिपेयरिंग होती है वाइटमिनाइजेशन होती है बहुत कुछ होता है राइट तो सही हो गए बाल नहीं है तो लग जाते हैं पूरा टर्की इस पर चल रहा है दिन की वो बारह सौ हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरीज कर रहा है राइट उसने वो बना लिया अपना राइट सो पीपल हैव गॉट अवेयर ऑफ इट बट नॉलेज इज पावर अभी आपको खुद ऑनेस्टली बताओ वाई डिट दिस क्लास इज स्टार्ट कोविड आ गया राइट कोविड के बाद आप लोगों को जूम आ गया जूम के बाद हम लोगों को मोटिवेशन आ गया ठीक है मोटिवेशन कहाँ से आया नॉलेज से आया तो आज बहुत दफा जब अंदर से ये एट्टी फाइव परसेंट ईवेल वाला आदमी बोलता है आपको डाउन करता है तो आपको याद आ जाता है ओह स्टीफन को भी ये बोलता था फलाना बुक वो बोलता था लास्ट बुक में ये बोला था ये नॉर्मल है ठीक है कान दो दिए प्रोसेस नहीं करना निकाल के फिर दो राइट अभी शौकत भाई ने बोला तो नॉलेज इज पावर ठीक है बचपन में बुक्स पे लिखा होता था, था हर स्कूल की बुक पे लोग लिखा होता है राइट तो नॉलेज इज पावर सो दिस मीन्स ये ऐसा पावर है पॉजिटिव जो कि वो एटी फाइव परसेंट नेगेटिव पावर को ब्रेक कर सकता है तो आपको सोल्यूशन मिल गया वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन के सक्सेसफुल <coughs> होने के लिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए कामयाब होने के लिए खुश रहने के लिए जो भी नाम दे दो तो। बात है सोल्यूशन सोल्यूशन है नॉलेज ठीक है नॉलेज इज पावर जितना नॉलेज होगा वो आदमी खुश भी होगा वो बोलने में भी स्ट्रांग होगा वो बिजनेस भी अच्छा करेगा वो रिलेशनशिप्स भी अच्छे संभालेगा वो एक्सरसाइज वर्कआउट भी करेगा बिकॉज वो ओपन है ना डायबिटीज डायबिटीज हो हो गया तो उसने लर्न किया जाके कि कि भाई क्या नहीं करना है कि कम हो जाए ओके okay, वर्कआउट करना है वॉक करना है दस स्टेप चलना है चलना शुरू कर दिया थोड़े बहुत पैसे थे तो स्मार्ट वॉच इनेबल कर दिया अलार्म लगा दिए जितना आपका नॉलेज आपने गुड फूड लेना शुरू कर दिया का खत्म कर दिया राइट right? ये सारी चीजें आपने कहा आके सीखी यहीं आके सीखी ना आज भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है बोलते हो छोड़ो ना यार आई एम टू वो फॉर दैट तो क्या कर रहे हो आप नॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हो बहुत सारे सीनियर्स की ये हैबिट होती है राइट हम जब क्लास लेते थे कंप्यूटर की मुझे याद है जो कहते थे अरे छोड़ो ना इतना मगजमारी नहीं होता है तो जिनसे मगजमारी नहीं होता वो आज इस की ब्लेसिंग से ब्लेस्ड नहीं है यस और नो मैं सही कह रहा हूँ अगर वो जूम सीख ले होते तो वो भी इस ग्रुप का पार्ट होता करेक्ट लेकिन बहुत सारे लोग अपने सन डॉटर या डॉटर इन लॉज सन इन पे डिपेंड करते हैं यार कंप्यूटर चला देना या ग्रैंड कंप्यूटर चला दे मेरे को समझ नहीं आता है अरे क्यों समझ नहीं आता जबकि ऐसे भी सीनियर ओल्ड लेडी सी और सिक्सटी थ्री की लेडी बोलती है नहीं नहीं आई एम टू ओल्ड फॉर दैट तो कौन सही है कौन गलत है दोनों ही सही है और दोनों ही गलत है राइट तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर ओरिएंटेशन के अंदर से जो वेपन आया ऐसे सॉर्ड आया आपको जब आपको अनाउंसमेंट हुआ ना ड्राइविंग क्लासेस होने वाला है फ़लाना 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 से कांटेक्ट करो तो आपको अंदर एक ख्याल आया आप आप जो है ना आप खड़े होने की कोशिश कर रहे तो यहाँ से शॉर्ट पड़ा ज़ोरदार ऊपर से ठीक है अब आपने शील्ड नहीं लगाया हुआ था नॉलेज का या मोटिवेशन का उसने बोला आप नहीं कर सकते तो आप फिफ्टी सिक्स के हो गए बैठ गए के नहीं मैं तो गाड़ी नहीं चला सकती या नहीं चला सकता लेकिन आप एटी थ्री के नाइन्टी के थे और आपने बोला भाई छोड़ो मैं सब कर सकता हूँ किसने बोला नहीं कर सकता गए जाके एडमिशन करा लिया ओके okay, ये एटी फाइव परसेंट जंग तो अंदर थी ठीक है फिर आप बाहर आए शौकत भाई बाहर आए दूसरे लोग आए आपने अपने उस उसके दस लोगों को बताया बोलो अरे शौकत भाई जाके ड्राइविंग सीखोगे इस उम्र में क्या हो गया तो वो पंद्रह परसेंट बुली बुली वाला आया जब एटी फाइव परसेंट कोई मार दिया तो पंद्रह परसेंट को मारना कोई मसला रह गया राइट एटी फाइव सोल्जर मार चुके हो तो पंद्रह सोल्जर तो आपके बाएं हाथ का काम है ना राइट हो सकते है आप दो लोगों को और पकड़ के बोले काम कर तू भी चल मेरे साथ ड्राइविंग अगर ज्यादा ही स्ट्रॉग हुए तो आपने क्या किया उसके भी दो तीन आदमी मार दिया राइट तो लाइफ में यही होता है कुछ भी सोचे अच्छा ख्याल ऊपर वाला बोलता है मैं डालता रहता हूँ ये इंसान होता है जो नहीं सीखता है नहीं सुनता है राइट तो हमेशा सोड आएगी वो आपको डिफेंट लेके खड़ा रहना है आपको आदत बना लेनी है कि कोई भी चीज होगी ये जो डेवल है ये डालेगा मेरे को नेगेटिव थाट वो तो शैतान क्या कहता है कुरान में मैं आगे से वार करूंगा पीछे से करूंगा दाएं से करूंगा बाएं से करूंगा कहता है देर इज एन आयत फॉर इट तो किसी ने इंटरप्रिटेशन बोला ये क्या है आगे से पीछे से आपको कोई शॉर्ट नजर आती है हम तो ऐसे फनी वे में शॉर्ट से बात कर रहे हैं ना इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तो बड़ा क्लियर लॉजिकस आए हैं साइंस के फ्रंट से वार करेगा मतलब ऐसे लोग आएंगे जो शायद बुली करे वो फ्रंट का वार पीछे से वार ऐसा कुछ होगा कि शायद पैसे नहीं है जाने का मसला है हो सकता है घर जगह घर वाले हंस रहे हैं घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे आपके अंदर ऐसी थॉट्स आना शुरू हो हुई के आपने बोला नहीं यार मैं तो कर ही नहीं सकता मैं तो लूजर हूं ठीक है तो दोनों हो गया राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या अल्लाह ने दो दिमाग दिए राइट दिमाग इज इमोशनल लेफ्ट दिमाग इज बिजनेस माइंडेड राइट लॉजिकल आपका लॉजिकल दिमाग ने आपको पकड़ लिया तो मैं ड्राइविंग करके क्या करूंगा इस उम्र में मेरा तो कोई काम ही नहीं है तो चलो ना नहीं करता राइट लेफ्ट दिमाग ने हरा दिया आपको राइट right दिमाग आपने बोला यार मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है मैं इतना अच्छा दिखता नहीं हूं मैं इतना क्या करूंगा मेरी आई साइड इतनी अच्छी नहीं मिले ड्राइव तो इमोशनली शैतान ने मार दिया तो जिस भी वार में आप गिर गए जो भी आपका शील्ड कमजोर था वहां आपको अटैक लग गया यस और नो राइट तो आज हम कहते हैं रिलीजन इज साइंस राइट बट हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको समझ आ रहा है ओ रिलीजन ने बोला था उसका मतलब ये था कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं रेज रेजी हैंड्स बात समझ आया राइट right? तो हर चीज पे एक हैबिट बना लेनी है और इंसान का मतलब ही भूलने वाला है अगर डिक्शनरी में टाइप करोगे तो तो हम भूल जाएंगे ओब्वियसली आज जो हमने लेसन लिया वो भी भूल जाएंगे इसलिए बेटर होता है एक डायरी बना के छोटा सा लॉजिक लिख लो कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई काम करने जाओ ना छोटा बड़ा तो ये चीज आएगी और इस हथियार को इस शील्ड से रोकना है राइट right? और वो शील्ड होगी नॉलेज एंड मोटिवेशन और दूसरी शील्ड का नाम मैं लिख देता हूँ आपको हमेशा एक बात अपने आप को याद दिलाते रहनी है कि आई 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 एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड कैन डू ठीक है गॉड को क्रेडिट देते रहो ताकि ईगो पैदा ना हो जाए राइट right? एटीट्यूड पैदा ना हो जाए सो so, एक आपको कुदरती पावर भी मिल जाएगा जब आपने ऊपर वाले को बोल दिया बिस्मिल्लाह या यू नो ऊपर वाले मदद कर अकबर या जो भी आपका स्टाइल है तो आपने ऊपर वाले के बैंक में पैसे डाल दिए कि भाई ये ले एक डॉलर की मेहमानी ठीक है अगर मैं आगे पीछे हो जाऊं तो याद रखना एक डॉलर दिया था ठीक है ना तूने बोला है कि एक डॉलर को इतना मल्टीप्लाई कर देगा राइट तो वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको जब भी सॉर्ट का बार ज्यादा होगा आपको बचा लेगा राइट तो हुआ क्या आज हमको ये समझ आया कि अपना सक्सेस रिडिफाइन करते रहना अब समझ आया सक्सेस रिडिफाइन का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था और ये इसने बहुत क्लियरली बताया है कि हर सक्सेस में एक ईवल थॉट आता है और उसको आपको ओवरकम करना पड़ता है और वो कहते हैं ना पहली सबसे बड़ी जंग अंदर होती है ठीक है मौलानी ने कहा सबसे बड़ी कायनात इंसान के अंदर खुद है जो अंदर जीत गया बार वो जीत जाता है राइट तो ये अंदर जंग करनी होती है जो आपके माइंड की होती है आपके थॉट्स की होगी कि लोग क्या कहेंगे या लोगों के पास टाइम नहीं है 2024 के अंदर कहने के लिए राइट 15% से भी कम हो गया होगा ये नंबर ये आप खुद ही हो जो आप अपने आप को कहते हो तो उसको रियलाइज कर लो और उसको खत्म करो ओके लेट्स मजा आया कितने लोग एंजॉय हो रहे हैं रेज योर हैंड्स ठीक है सो वेरी गुड आई थिंक टॉपिक आई थिंक यू कर भाई ओके द सेकंड वन इज letting go of perfectionism ओके okay. कौन इसको एक्सप्लेन करेगा ये बोल रहा है कि परफेक्शनिज्म जो होगे ना जैसे you know, right? वो हर चीज में बहुत perfect, 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 perfect करता है इसलिए शायद साल में एक ही फिल्म देता है राइट right? जबकि दूसरी तरफ जो ऐसे स्टार्स हैं मल्टीपल फिल्म छोटी सी एग्जाम्पल से समझा के आपको समझ आया लेमा एग्जाम्पल से परफेक्शनिज्म स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकता है कभी कभार स्ट्रेंथ भी हो बट मेजोरिटी केसेस में ये कह रहा है ये एक वीकनेस है कौन और देखो होता क्या है परफेक्शनिस्ट आदमी को इमेजिन करो सेफ और अगर कोई परफेक्शनिस्ट आदमी है ए बी सी जो हर चीज में क्या करेगा परफेक्शनिस्ट आदमी क्या करेगा उसको हर चीज बहुत परफेक्ट चाहिए तो वो चीजों में कीड़े निकालेगा यू you नो know, वो उस चीजों से बीमारियां निकालेगा वो चीज़ों में कुछ ना कुछ बुराई निकालेगा ठीक है चाहे आपकी हो या दूसरों की ऐसा आदमी नॉर्मली इन सोसाइटी पसंद किया जाता है कि हेट किया जाता है जो चीज़ों में प्रॉब्लम निकालता है हेट किया जाता है किसी को भी बुराई नहीं पसंद है हर एक को अच्छी बात है पसंद है राइट बट ऊपर वाला डिप्लोमेट होने से भी मना करता है याद रखना ऊपर वाला हिपोक्रेट्स को हेट करता है उसने कहा कि आई हेट हिपोक्रेट्स हिपोक्रेट का मतलब होता है दिल में कुछ जबान पे कुछ राइट इन वेस्ट इट्स अ वेरी कॉमन फीचर लोग सामने से खुश होंगे पीछे कैसा आदमी था राइट ये वो थी डोंट बी भीट जरूरी नहीं है कि आप डिप्लोमेट बनो ठीक है आपको नहीं बोलना आप नहीं बोलो किसी की बुराई ना करो तो कैन बी ऑनेस्ट एंड गुड वर्स इज बेपोक्रेट बट परफेक्शनिस आदमी क्या होता है वो जरूरी नहीं है आदमी हो लेकिन परफेक्शनिस आदमी के एक एटीट्यूड है कि वो चीजों को बहुत कंप्लीट करना चाहता है जिसमें शायद वो साल में जो दस काम कर सकता हो, वो एक ही करता हो, राइट तो या तो आप ब्रूस ब्रूसली हो कि जो टेन थाउजेंड पंच को प्रैक्टिस करते रहो फिर वो एक पंच मार सामने वाला खड़ा ही ना हो पाए या तो आप में उतना दम हो आपके अंदर उतना डाई हार्ड विल पावर हो कि भाई मैं एक चीज ऐसी कर लूंगा और उसमें आप परफेक्शन परफेक्शन नहीं आ सकता आपके अंदर लेकिन आप क्लोज टू परफेक्ट जा सकते हो राइट नाइनटी नाइन परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं साइंस में जिसको जो कि नाइनटी नाइन भी है कि नहीं इस पर भी बहुत डिबेट चल रही है बट एनी वेज जो परफेक्शनिस्ट आदमी होता है ना वो बहुत बुराई करेगा बहुत डिससेटिस्फाइड रहेगा जैसे स्टीव जॉब की एग्जांपल हो वो एक तरह का परफेक्शनिस्ट आदमी था उसने आईफोन बनाने की कोशिश की तो उतने कुछ 1100 साइंटिस्ट निकाल दिया एप्पल से और उसकी कंपनी एक टाइम पे बंद होने को आ गई थी तो प्रफेक्शनस्ट लोग खुद भी बहुत हार्ड टाइम देखते हैं और दूसरों को भी बहुत हार्ड टाइम देते हैं लेकिन अगर वो कामयाब हो जाए तो वो दुनिया को हिला भी देता है राइट बट आपके अंदर उतना क्रेडिबल और करेक्टर पावर होना चाहिए कि आप दुनिया की मुश्किल देख सको तो अगर आप नहीं देख सकते तो शॉर्टकट इसके परफेक्शन होने की जरूरत नहीं है जो आपसे बेस्ट हो सकता है दो उसके बाद लीव द रेस्ट तो पार्टी करो राइट इसलिए हमें कहा जाता है वर्क हार्ड प्ले हार्ड वर्क हार्ड पार्टी हार्ड राइट पार्टी कार्ट का मतलब ये है कि भाई मेरे से जो बेस्ट हुआ मैंने कर लिया ताकि आई बीन फेयर विद माई वर्क इन गॉड एंड पीपल हु पेड मी उसके बाद मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये मैं अपने के टाइम में भी काम में लगा हुआ नहीं कि okay, परफेक्ट हो जाए मजीद बेहतर उससे आपकी लाइफ रुइन हो जाती है रिलेशनशिप्स लाइफ परफेक्शनिस्ट आदमी नहीं गुजार सकता तो ये बात क्लियर है डिड वी लर्न अ लेसन एक्सलेंट तो बहुत सारी कभी कभार हम चीजें सोचते हैं कि यार काश मैं अभी परफेक्शनिस्ट हो जाऊं तो परफेक्शनिस्ट अच्छी चीज नहीं है इट्स अ वीकनेस इट्स अ इट्स एन एडवांटेज एडवाटेज वेरी फ्यून परसेंट आप उस वन परसेंट में ना हो तो ये अच्छा राइट ओके okay. अब बहुत जरूरी है ये भी दो थॉट्स हैं एक तरह के लोग होते हैं जो किसी से मदद नहीं मांगते ठीक है और इसके ऊपर भी एक हजरत मोहम्मद की बात है कि अपने मुश्किलात का इजहार नहीं करो ठीक है या अपनी चीजों को मोलाली का भी है कि अपने तक रखो छुपा के रखो राइट right? अपने भेदों को छुपा के रखो दैट्स वन वे ऑफ इट राइट दूसरी चीज है कि कुछ लोग हमेशा नैगिंग होते हैं उनसे कुछ अकेले सॉल्व होता ही नहीं जिंदगी में और आप सोचो आप कौन है मेनी पीपल आर लाफिंग राइट जिनको हमेशा कोई प्रॉब्लम हो गया तो फौरन से कॉल करना है ठीक है या तो स्पाउस को कंसल्ट करना है या सिबलिंग्स को करना है या फ्रेंड्स को करना है और आज के बच्चे ज्यादातर आपको यह देखेगा अकेले डिसीजन मेकिंग उनसे होती ही नहीं है राइट right? हमेशा उनको डेलीगेशन चाहिए होती है तो लेट्स टॉक अबाउट बोथ द करेक्टरिस्टिक्स कौन सी करेक्टरिस्टिक कब हेल्प करती है और कौन सी करेक्टरिस्टिक कब हेल्प करती है ये बता रहा है डेलीगेशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प किस सूरत में इंसान को हेल्प लेनी चाहिए और बहुत जगह ऐसे कोट्स भी हैं प्रोवर्ब्स भी हैं वाइज मैन से भी हैं

ए आई okay, आ गया है अकाउंटेंट्स को खा रहा है लॉयर्स को खा रहा है, है। वो वो वो, लीगल जूम जैसी चीजें आ गई है आज आप चैट जीपीटी बोलो आपको पूरा लीगल ड्राफ्ट लिख के दे देगा जिसको लॉयर चार दिन लेगा और पांच हजार डॉलर लेगा लिखने के राइट सो देर आर सो मेनी थिंग्स और ये परफेक्ट होते जा रही है आज जो कोड्स हैं चैट जीपीटी कोड लिखना शुरू कर दिया आपको डेवलपर की जरूरत ही नहीं है तो जो भी चीज चाइना ने रोबोट्स बना लिए एग्रीकल्चर किसान को रिप्लेस कर देगा ऊबर ने ऑटोमेटेड कार्स बना लिए इतने हजारों लोग ऊबर चला रहे हैं उनकी नौकरी जाएगी राइट सर्विंग uh, रोबोट्स आ जाएंगे तो जो लोग मेकडॉनल्स वगैरह जगह खड़े हुए बनकबाव फ्लिप्स कर रहे हैं आठ डॉलर पे बेचा रहे हैं उनकी नौकरियां जाएगी तो दुनिया एक वर्स सिचुएशन में भी जाने वाली है इसको बेनिफिट भी ले सकते हैं तो ये वही बात है जो कि शौकत भाई और नर्गिस ने कहा कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये एक पावर है जो कि आपको दिया जा रहा है जिसको आप यूज कर सको लेकिन इससे आप अपना इंटरनल पावर खो रहे हो तो एक बार जो आपने कही ना कि हमें पहले खुद ट्राई करना चाहिए कोई भी चीज को फिर हमें मेंटोर लेना चाहिए या हमें हेल्प लेना चाहिए या हमें ए लेना चाहिए हमारा मसला पता है क्या हम सब लेजी लोग हैं दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग हमारे पास ऑप्शन है ना? नहीं नहीं ना, कौन सोचे AI से पूछ तो हमने क्या किया हमने इतनी डिपेंडेंसी कर ली कि फिर वो बीमारी जो जिंदगी में कभी नहीं थी वो क्रिएट होगी उसका नाम है अल्जाइमर अल्जाइमर और आज आप बेसिस पे जाओ तो निकलता है ये लोग जब सोचना कम कर देते हैं माइंड पे प्रेशर डालना कम कर देते हैं तो गेट मेमोरी लॉसेस एंड अलमर और इसलिए आज बहुत सारे अ White कहते हैं, we will never get retired because उनको पता है मजे करूंगा, तो जब सत्तर साल के हुए रिटायर हुए तो पता चला बीमारियों ने पकड़ लिया you at people around you, आपको पता चलेगा जो एक्टिव है उनमार नहीं है बट जो लेजी हो गए घर बैठ गए कुछ नहीं करते वो बीमार हो गए बिस्तर पे चले गए

सबके पास है पांच उंगलियां राइट right? ठीक है रेज योर हैंड्स ठीक है बहुत सारे लोग वीडियो खोल के दिखा रहे हैं गुड साइंस ये कह रहा है कि अगले तीन सौ साल बाद ये आखिरी उंगली शायद नहीं हो गई इंसान की ठीक है आखिरी वाली क्योंकि उसको वो यूज नहीं करता राइट right? और आप जिराफ को देखो उसकी गर्दन इतनी बड़ी थी नहीं डार्विनिज्म थ्योरी जो है वो कहती है क्योंकि उस जमाने में वो कमजोर जानवर था सब पत्ते खा जाते थे तो उसको बहुत ऊपर के झाड़ मिलते थे सो ही हैज टू स्ट्रेच हिमसेल्फ सो मच कि अगले 200 साल में जो जिराफ पैदा होना शुरू हो वो लंबी गर्दन वाला होना शुरू हो यू हैव सीन दैट राइट तो ये खुदा बताता है कि जो चीज मैंने तुम्हें दी है इस्तेमाल नहीं करोगे दैट विल डिमिनिश तुम्हारा दिमाग भी तुम यूज नहीं करोगे दैट विल डिमिनिश तुम्हारा बॉडी यूज नहीं करोगे वर्कआउट नहीं करोगे बीमारी पकड़ लेगी सो दैट्स व्हाई ब्रेन के लिए कंटिन्यूंग एजुकेशन हार्ट के लिए मेडिटेशन इन बॉडी के लिए एक्सरसाइज आप इमाम के सारे फरमान उठा के देख लो तो अब समझ आया कंटिन्यूंग एजुकेशन फॉर सीनियर्स क्यों बोला गया है किसी को बाहर जाके पैसे थोड़ी बनाना है राइट right? माशा बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हैं हो सकता है कुछ को वो तकलीफ हो भी तो वो भी कोई बुरा नहीं है राइट right? बट तो तो हमारी कम्युनिटी से बाहर जाओ तो सिक्सटी प्लस बेचारे आपको जगह जगह खड़े हुए मिलेंगे एट डॉलर टेन डॉलर की जॉब्स करते हुए मिलेंगे ये और नो राइट वी बिलोंग टू द कम्युनिटी के वी आर रेज लाइक दैट लेकिन नॉलेज इसलिए जरूरी है कि अगर माइंड को यूज नहीं किया तो जो चीज यूज नहीं होती ऐसा पानी जिसमें द इज़ नॉट फ्लोइंग स्टार्ट स्मेलिंग वो सीनियर जिनकी आदत हो गई अपने आपको देखोगे हर चीज वो दूसरों को बुला ए, ये देख कर देना मुझसे नहीं होगा डेलीगेशन यू आर एंटरिंग इनटू टू अलमर सिचुएशन यू नो अभी सुधर जाओ संभल जाओ राइट right? अपने काम खुद करना शुरू करो ऐसा लगता है ना अपने आप को देखो अपना वर्ल्ड बिच चेक करो राइट सेल्फ एम्पावरमेंट का क्या मतलब है दूसरों को नहीं सुधारना प्रॉफिट मोहम्मद का उसूल किया था अपने आप को सुधार लो दुनिया खुद सुधर जाएगी राइट <laughs> तो ये चेक करो कि आपकी डेलीगेशन की कितनी आदत है कितने काम जिंदगी में आप दूसरों को बुला के करते हो ताकि आपको वो झंझट लगता है राइट और अगर लगता है तो आपको सरात मुस्तकीम पे जाने की जरूरत है ठीक है ओके माइंड uh, okay, we'll सेट और उसको कभी कभार शिफ्ट करना पड़ता है और वो क्या होता है आसान है बुलिंग चल रहा है फियर ऑफ अनोन चल रहा है चल के आ रहा है क्या रिसेशन आ रहा है दुनिया में मैं ये सब न्यूज देखता रहता हूँ रिसेशन उसके दिमाग में ये चल रहा है हैप्पीनस मैं सबसे सब खुश आदमी हूँ कोई मसला नहीं है शुक्र सब सुकून चल रहा है जैसे मलिक मिठाई थ्रू दैट डिफिकल्ट टाइम वरी चल रहा है पूरी मे, पुरानी मेमरीज चल रही हैं चल के आ रहा है राइट हर एक की सिचुएशन एक तो वो होती है जो कि इंसान की खुद की करेक्टरिस्टिक्स होती है राइट कुछ लोग छोटे छोटे चीजों को बड़ा बना देते हैं कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों को बहुत छोटे से ले लेते हैं राइट जैसे किसी ने एग्जाम्पल दी मेरे को मुझे कैंसर हुआ एंड दैट्स ओके बहुत सारे लोगों को होता है मुझे भी हो गया आई प्रेड टू गॉड के शुक्र है उसने मुझे रियलाइजेशन दी बट ये भी सोच दी कि मैं इससे बहुत जल्दी निकल जाऊंगा और कुछ लोगों को डायबिटीज होता है और वो हाई डायबिटीज हो गया डायबिटीज हो गया डायबिटीज हो गया एशियन right? को डायबिटीज राइट सो आपका माइंड सेट क्या आप छोटी छोटी चीजों को मैग्नीफाई करने वाले इंसान हो या बड़ी बड़ी चीजों को सुकून से करने वाले तो पहले तो आपको ये मैग्नीफाई ग्लास लेके आपको अपना सेल्फ चेक करना है दूसरा जब आपको पता चल जाए कि मैं हूं कौन तो आपको फिर माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत है क्योंकि अगर आपने शिफ्ट नहीं किया तो लोग आपको शिफ्ट कर देंगे राइट लोग कैसे शिफ्ट कर देंगे आपको के हर आदमी चाहता है मतलब मैं आपको बोलूँ कि आइडियल फ्रेंड कैसा होना चाहिए राइट तो परवीन नवाब अली क्या बोलेंगी सैन एंटोनियो से इंसान कैसा बोलो आपको ऊपर वाला बोलता है परवीन मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा दोस्त बना के भेजने वाला हूँ या आपकी दोस्त भेजने वाला हूँ जब सैन एंटोनियो में सेवा में मिले कोई भी मिले और आप बहुत अच्छी लगती हो और ठीक है ये मेरी फ्रेंड है उसमें क्या तीन करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए दस ओके okay. सरोज सही बात करे तो डिफाइन अ परफेक्ट फ्रेंड दैट उसमें ये तीन चीजें होगी बोले हाँ यार ये बेस्ट है पर ये मेरे को ऐसे फ्रेंड का मतलब ये है कि आज आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके अपने दिमाग के अंदर खोलो वैसा कोई इसका कोई टूल नहीं है इमेजिन करो और देखो कि आपके अंदर ये तीन सलाहियतें कितनी है तीन स्ट्रेंथ कितनी है अपने आप को स्कोर करो बोलो अच्छा यार मैं एज ए फरीद क्रमानी लोगों को कितना सुन सकता हूँ टेन का मतलब हाईएस्ट वन का मतलब वर्स्ट फाइव का मतलब तो मैं बोलता हूँ यार नहीं मैं नहीं सुन सकता लोगों को ज़्यादा ठीक है मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम ख़राब हो रहा है और मैं नहीं सुनता और मैं उसी वक्त सुनता हूँ जब मुझे कोई काम होता है किसी से तो मैंने अपने आप को सुनो थ्री आउट ऑफ टेन स्कोर दिया तो मैं इसका मतलब बहुत सेल्फिश हो मैं बोला नहीं यार मैं सुन लेता हूँ अपने आप को कभी कभार बट बहुत नहीं सुनता बट तो मैं फाइव आउट ऑफ टेन हूँ यानी मैं नॉर्मल हूँ बहुत अच्छा नहीं है लेकिन नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। मैं है बोला अगर किसी को कोई मसला है तो मैं अपना काम भी छोड़ दूंगा और दूसरे को सुनूंगा तो मैं शायद एट आउट ऑफ टेन हूँ तो मैं गुड हूँ तो अपने ten, आप को रेट करो आउट ऑफ टेन कि आप फर्स्ट एबिलिटी में कैसे हो ठीक है और जब आपको अपना स्कोर पता चल जाए क्योंकि टीचर भी खुद हो स्टूडेंट भी खुद हो सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब यही तो है और क्या है राइट तो फिर आपको माइंड शिफ्ट करना है कि नहीं यार मैं थ्री आउट ऑफ टेन हूँ मैं पहले कोशिश करता हूँ ऐसे ही दूसरे अपने देखो कि मैं कितना हूं और कितना हूं। क्या मैं लोगों को दोस्ती ही इसलिए करता हूँ कि किसी से काम होता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो और आपको भी पता है जो आपसे दोस्ती करेंगे पता है, आपको पता है कुछ काम है ना दोस्ती शुरू गिफ्ट्स आना शुरू नो फोन आना शुरू ईद मुबारक के मैसेज आना शुरू काम नो बहुत सारे लोग हंस रहे हैं सब स्मार्ट है ठीक है, तो है। सब होशियार है मैं कहता हूँ डेढ़ होशियार राइट सबको सब पता है दुनिया में आज की तारीख में दो में आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते ये yes नो no? राइट तो आप बहुत होशियार बने हो और आपको लगता है सामने वाला होशियार नहीं है तो सब होशियार है राइट तो सामने वाले को विन करने का तरीका एक ही है कि होशियारी छोड़ो और सेल्फलेस बन जाओ जब वो देखेगा ना यार ये आदमी सेल्फलेस है तो आपका काम खुद कर देगा राइट बट उसके लिए आपको भी दूसरे की मदद करनी पड़ेगी अरगिस क्या बोलते हो मदद। चलिए जब आपने मुझे बोला ना कि नेक्स्ट टर्न तेरा है तो मैं तुरंत गई और मैं कलाम में मौला लेके आई हूँ और कलाम में से मैं दोस्ती का जो है वो मौत मैं रीड करती हूँ तो उसमें देखो प्री दूध पानी की दूध लेता पानी को मिला गर्म होने के वक्त पर पानी दूध बचावे आप जना ये इसको फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ दूध उछल दूध सो आग बुझावे जलते पानी को करता बचा इसी तरह एक दूसरे की मदद करे तो दोस्त सच्चा और एक दूसरा पढ़ना चाहूंगी भला संगति वह तेरा जो तुझे बतावे नेक काम जो नेकी तू नहीं जानता उसका तुझको सिखावे नाम नेक संगत वह जानो जो तुझे बतावे नेक रहा तो संगत करो, करो आले रसूल की, जो बता दिया, शौकत भाई जो, जो करे लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि पीछे से आगे बोले कि भाई शौकत भाई ये सही नहीं कर रहा है चार लोगों के सामने बताया तो शौकत भाई भी नाराज तुमने चार लोगों के सामने इंसल्ट कर दिया मेरा तो आज के दौरान क्या हुआ तो आपने बहुत अच्छी बात बोली से बात भी सुने सेल्फलेस भी हो दूध की तरह के वो खुद जल गया लेकिन उसने आग बुझा दी राइट तो खुद का टाइम चला गया लेकिन सामने वाला फील्स बेटर ना आपने शायद बात सुनी टाइम दिया या आपने थोड़ी पैसे से मदद कर दी या आपने आइडिया दे दिया आपने अपने चार लोगों को कॉन्टेक्ट से मिला के फोन करके बोला यार उसको देख लेना ना यार या आपने किसी की मदद कर दी राइट आज के जमाने में देर इज नो फ्री लंच अमेरिका में कहते हैं बी अमेरिकन देर इज नो फ्री लंच राइट तभी मैं उसका काम करूंगा जब वो मेरे कोई काम के लाइफ होगा राइट right? बट हमें अलग थॉट दिया है।, है ना कि डोंट क्रॉस द ब्रिज हमारा स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं है देर इज नो फ्री लंच हमारा स्कूल ऑफ थॉट है कि शेयर योर लंच किसी के पास खाना नहीं है अपना दे दो थोड़ा सा राइट right? किसी ने बहुत अच्छी बायोग्राफी बोली थी आई डोंट नो बट गांधी जी का या किसका बहुत बड़े था कि उसने कहा कि मैं आज इतना बड़ा गांधी जी इसलिए हूं कि मेरी माँ हमेशा मुझे दो आने देती थी और दे दे एक आने तुम्हारे है और एक से जाके मदद करना है किसी की तो वो एक हैबिट ने शायद गांधी जी ने कहा कि मुझे गांधी जी बना दिया राइट right? तो फर्स्ट वी बिल्ड आर हैबिट्स देन आर हैबिट बिल्ड पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमको बनाती है तो ये जो शिफ्टिंग माइंड है ना इसका मतलब है अच्छी आदतें बनाना जब अच्छी आदत है आप बनाओगे लेकिन आप जब अच्छी आदत है तब बनाओगे जब आप मैग्निफाइन ग्लास लेके अपने आप को देखोगे कि आज की तारीख में मेरे मसले क्या है क्योंकि आज की तारीख में हर एक आदमी दूसरों के मसले निकालने में लगा है <clears throat> जब खुद की देखेंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे राइट एंड विल बी इंशाला बेटर सो थैंक यू वेरी मच विद दिस वी क्लोज थॉट्स